ये काई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ा, और हम इनके भाईजान हैं, सुसरे भी उन्होंने हैं, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अभी आप देखे कि डाइस के ऊपर, डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था, बोलता मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस, दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना इन्हों, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने हैं, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को, उन्होंने लिखे प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट कमेंट और स्टेटमेंट दैट मे हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजियस पीपल एंड पर्संस एंड ऑल्सो डू नॉट वायलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेड इन कनेक्शन विद द जनरल असेंबली इलेक्शन 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason and peace should be maintained in addition to this. B ki jagah B E aana, aap B R E likh liye khair. It should be noted that legal ki spelling bhi galat hai, L E G A L. Aap L E A G A L likh diye. I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order. अच्छा यह problem की spelling में M खा गया, problem हो गया ये, M आना, problem arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में G खा गया. And individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया? हाँ हाँ नहीं दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती वो. खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी. तो मैं नोटिस ले लिया. सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी. Very sorry. 9:45. देखो 9:45. अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी. तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी सेटिस्फाइड माशाल्लाह. अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं, अपोज द कंटेंट्स. हाँ बैठो बैठो बैठो. हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो. अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे हम उसको अपोज करते. इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरते पुलिस
दामाद दामाद को लाइटर वेन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। तीन दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन ला हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है, जा मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इश्क खत लेकर आए हम आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ा।